हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों? आज 5/7/2021 को आपकी क्लास 11th के लिए स्माइल 3.0 से गृह कार्य आया है बच्चों। व्यवसाय अध्ययन पर चैप्टर का नाम है व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। व्यावसायिक क्रियाकलापों का वर्गीकरण कीजिए। इसका उत्तर है, व्यावसायिक क्रियाओं को दो विस्तृत वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है उद्योग और दूसरा है वाणिज्य। उद्योग, उद्योग से तात्पर्य वस्तुओं उत्पादन अथवा प्रक्रिया से है। वाणिज्य, वाणिज्य से तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है जो वस्तुओं के आदान प्रदान, संभरण तथा वितरण को संभव बनाती है। प्रश्न दूसरा है, व्यापार के सहायक कार्य कौन कौन से होते हैं? लिखिए। उत्तर है, व्यापार में सहायक क्रियाओं को व्यापार का सहायक कहते हैं। इन क्रियाओं को सेवाएं भी कहते हैं क्योंकि ये उद्योग एवं व्यापार में सहायक होती हैं। बच्चों व्यापार के सहायक कार्य परिवहन, बैंकिंग, बीमा, भंडारण एवं विज्ञापन व्यापार के सहायक कार्य हैं। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न था, व्यापार के सहायक कार्य कौन कौन से? प्रश्न तीसरा है, उद्योग किसे कहते हैं? उद्योगों को कितने भागों में बांटा जा सकता? इसका उत्तर है, किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण या उत्पादन या बृहद सेवा प्रदान करने के मानवीय क्रम को उद्योग कहते हैं। उद्योगों के तो यहाँ प्रकार है, उद्योगों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्राथमिक उद्योग, दूसरा है द्वितीयक या माध्यमिक उद्योग और तीसरा है तृतीय या सेवा उद्योग। प्रश्न चौथा है, प्राथमिक उद्योग किसे कहते हैं? उदाहरण सही समझाइए। इसका उत्तर आएगा, इन उद्योगों में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के खनन एवं उत्पादन तथा पशु एवं वनस्पति के विकास से है। इन उद्योगों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है निष्कर्षण उद्योग, दूसरा है जनिक उद्योग। बच्चों इनके उदाहरण है, प्राथमिक उद्योग के खेती करना, मछली पकड़ना, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि। प्रश्न पांचवा है, द्वितीयक उद्योग किसे कहते हैं? इसको कितने भागों में बांटा जाता है? सविस्तार समझाइए। इन उद्योगों में खनन उद्योगों द्वारा निष्कर्षित माल को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन उद्योगों द्वारा निर्मित माल या तो अंतिम उपभोग के लिए उपयोग में लाया जाता है या दूसरे उद्योगों में आगे की प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है, जैसे कच्चा लोहा। खनन प्राथमिक उद्योग है तो स्टील का निर्माण द्वितीयक उद्योग है। द्वितीयक उद्योग में बच्चों जो प्राथमिक उद्योग से हमें कच्चा माल मिलता है उससे सामान तैयार किया जाता है द्वितीयक उद्योग में। द्वितीयक उद्योग को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। इसके दो भाग है बच्चों, विनिर्माण उद्योग, इसके अंतर्गत इन उद्योगों द्वारा कच्चे माल को प्रक्रिया में लेकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाया जाता है। इस प्रकार ये प्रारूप उपयोगिता का सृजन करते हैं। ये उद्योग कच्चे माल से तैयार माल बनाते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। दूसरा बच्चों इसका प्रकार है, निर्माण उद्योग। ऐसे उद्योग भवन, बांध, पुल, सड़क, सुरंग तथा नहरों जैसे निर्माण में संलग्न रहते हैं। इन उद्योगों में अभियांत्रिकी तथा वास्तु कलात्मक चातुर्य महत्वपूर्ण अंग है। तो इस तरह से आपका स्माइल 3.0 का आज का गृह कार्य कम्प्लीट होता है। अगर आपने पीछे का गृह कार्य कम्प्लीट नहीं किया है तो आप वीडियो सर्च करके लर्न शरद अरोड़ा के नाम से अपनी क्लास का चैप्टर नेम बोलकर आप सर्च कर सकते हैं, अपना जो पेंडिंग काम है वो कम्प्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।